हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रजा सिरसी ब्लॉग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, हम भी ठीक हैं। तो आज हम आए हैं अपने जंगल, तो दिखाते हैं हम आपको नई नई चीज़। बने रहे हमारे ब्लॉग में, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर, प्लीज़ वॉच माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। छोटे छोटे बच्चे हैं, धूप में खेल रहे हैं, रमज़ान चल रहे हैं इस टाइम, अकेले दो बंदे खेल रहे हैं बस। ये कुछ कब्रिस्तान है हमारा, पिलखने हो गई हरी भरी, धूप बहुत तेज हो रही है इस टाइम। और लाखों की तादाद में बकरियां। ये हमारे सिरसी में एकमात्र ऐसा कब्रिस्तान है जिसका कोई माए बाप नहीं है। इतने लोग हैं लेकिन यहाँ पर कोई बोलने वाला नहीं है। इस कब्रिस्तान में क्रिकेट भी होता है, बकरियाँ भी चुगती हैं, बकरियाँ कब्र में बैठती हैं, बैल बनते हैं, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं है इस कब्रिस्तान का। देख सकते हो, आते हैं, देखते हैं और चले जाते हैं, कोई किसी से मतलब नहीं। किसकी बकरियाँ कहाँ बैठी हैं, कौन क्या कर रहा है, कब्रिस्तान में बैठे हैं, लेकिन कोई बोलता नहीं भाई। यहाँ पर किसी को इंटरफेयर नहीं है किसी की लाइफ में बोलने का। तो गाइस, ये बात बहुत गलत है। कब्रिस्तान सबका है, सबको टोकना चाहिए, ना कि एक ही बंदा टोकेगा हर बार। एक बंदा नहीं टोक सकता, एक बंदा टोकेगा तो उससे सब लड़ाई लड़ेंगे। तो ये सबकी ज़िम्मेदारी है, सबका कब्रिस्तान है, सबको बोलना चाहिए, बोलने के लिए आगे आएँ। उसी नस्ल की बकरी है भैया, पानी के अंदर घुस के, इसके अंदर पूरे में पानी है, पानी में घुस के घास चर रही, बताओ ये कलयुग आ गया। तो आ गए हम अपने जंगल, ये हमारे गेहूँ हैं, अब गेहूँ कटेंगे। अभी थोड़े कच्चे भी हैं, थोड़े पक भी गए हैं, तो अभी ईद के बाद ही कटवाएंगे इंशाल्लाह। ईद के बाद कटेंगे गेहूँ। इसका नलुआ अभी मुलायम नलुआ है, इसका भी अभी ना करवाना चाहिए जब तक कड़क ना हो जाए। धूप बहुत तेज हो रही है इस टाइम, ये मुझे लगे है ईद के बाद तक 5-6 दिन में हो जाएंगे रेडी। ये 5-6 दिन में रेडी हो जाएंगे। ये है बरसिंग बब्बन भाई की, अभी लग जाएंगे कम से कम 8-10 दिन। 8 दिन तो लग जाएंगे कम से कम गेहूं कटने में। ये बगिया है कमर भाई की बगिया,
बहुत बड़ी, बहुत बड़ी है मेरी अपनी। आ ही ना रहा तुम्हारे किसी का? तो हमारे खेत अभी कटने में मिनिमम टाइम है, अभी कम से कम 8 दिन लग जाएंगे खेत कटने में। तो धूप देख सकते हो आप, कितनी भयंकर धूप हो रही है इस टाइम। धूप देखो आप चारों तरफ को, बहुत तेज़ धूप हो रही है। ये देखो आँखें खुल नहीं रही हैं। अलियन साहब आ रहे हैं, शॉप क्लोज कर रहे हैं अपनी, ये बोल रहे हैं हम भी साथ में चलेंगे घर पर। ये शॉप कर रहे हैं अपनी क्लोज, जल्दी करो यार बहुत गर्मी हो रही है। खाना 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 ना खाना भैया, रोज़ा है। उड़ा दिया तुमने तो यार। तो हम चल पड़े हैं अपने घर की ओर। थोड़ी तो अच्छा आ गया ना, बढ़िया आ रही फोटो भाई, वीडियो बन रही है। और स्कूल की हो गई छुट्टी, हम जा रहे हैं अपने घर पर। अजान का टाइम होने वाला है। वालेकुम अस्सलाम, अजानों का टाइम होने वाला है, अब नमाज पढ़ लेंगे मस्जिद सादात में। ये देख सकते हो गेहूँ हमारे कट जाएंगे हमारे। ये 8 दिन लगेंगे कम से कम। अभी धूप काफ़ी तेज़ है वैसे, 8 दिन लग जाएंगे, 8 दिन में हमारे गेम कट जाएंगे इंशाल्लाह। तो बने रहे हमारे ब्लॉग में गाइस। अजानें होने लगी हैं, हम जा रहे हैं मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए। तो चैनल में हमारे नए हो आप तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दो और कमेंट करो बढ़िया सा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने यार दोस्तों में सब कहीं। देखो हम व्यू दिखाएंगे आपको चारों तरफ का, बेहतरीन व्यू है ये। कब्रिस्तान एक ऐसा है, ये इसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। बकरी बकरा मुर्गी मुर्गा बैल भैंस सब चीज़ें ग्राउंड इस कब्रिस्तान में। कोई क्रिकेट खेल लिया, कोई कहने सुनने वाला ना है, जो मर्जी कर रहे हैं, बस यहाँ का ये हिसाब है। तो इस कब्रिस्तान वाले जो ऑनर है इस कब्रिस्तान का, जो देखभाल कर रहा है, उससे गुजारिश है हमारी कि इस कब्रिस्तान पे ध्यान दे ताकि ये बवाल ना मचे, साफ सफाई रहे। कब्रों पे बकरियाँ बैठी हैं, कोई देखने वाला नहीं है, बस चलो। तो अभी अजान हो रही है, अब जा रहे हैं हम घर। हम आ चुके हैं मेन रोड पर, we'll be right back.
ला खैर अल अमल। चलो आगे आगे शाबाश शाबाश बेटे शाबाश। हाँ ये खुद ही है कैमरा में, कोई ना हमारा कैमरा ले जल्दी वजू कर लिया लेते हैं। वालेकुम अस्सलाम। ना और दूर दिख रहा हूँ मैं, और दूर 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 जा थोड़ा। Yo,
हमने नमाज पढ़ ली है, अब हम जा रहे हैं सामान लेने के लिए। देखते हैं कुछ सामान मिल जाए तो। ये हमारा छोटा कैमरा मैन दादा सिरसी व्लॉग को सब्सक्राइब करें और 2 के सब्सक्राइबर कंप्लीट कराएं। होने वाले हैं, टेंशन मत लो। 4000 वॉच टाइम बिल्कुल कंप्लीट करना है 2 दिन में। 2 दिन में ना, 1 दिन में 2 दिन ला देंगे। ईद बनाएंगे व्लॉग, ईद पे लेटेस्ट व्लॉग आएगा आपके लिए इंशाल्लाह, बेहतरीन व्लॉग आएगा ईद के दिन। चलो फल ले लेते हैं यार आज।